हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हट ऑफ नॉलेज। तो आगे हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं, चैप्टर नंबर 10, जिसका हमने लास्ट टॉपिक किया था रोल ऑफ हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स का क्या रोल होता है हमारे रिप्रोडक्टिव फंक्शंस को इनिशिएट करवाने का। जैसे सबसे पहले हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, और पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या होता है, वहाँ से एक हार्मोन सिक्रीट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन बोलते हैं। और ये आगे क्या करता है, टेस्टिस और ओवरीज दोनों को इनिशिएट करवाता है ताकि वहाँ से टेस्टोस्टेरोन और ओस्ट्रोजन रिलीज होएं। तो इस तरीके से वो आगे हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के फंक्शंस को इनिशिएट करवाता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं, रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस। ह्यूमंस के अंदर जो रिप्रोडक्टिव फेज होता है वो क्या होता है और किस टाइम तक होता है। एडोलसेंट्स बिकेम केपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन एट प्यूबर्टी व्हेन देयर टेस्टिस एंड ओवरीज बिगिन टू प्रोड्यूस द गैमेट्स। जब एडोलसेंट्स प्यूबर्टी के बाद जब उनकी टेस्टिस और ओवरीज हैं वो क्या हो जाती हैं, गैमेट्स को प्रोड्यूस करने के एबल हो जाती हैं, तो उस टाइम पे उनके पास क्या हो जाती है, कैपेबिलिटी हो जाती है रिप्रोडक्शन की। एडोलसेंट बॉयज ग्रो करते हैं और मैन में कन्वर्ट होते हैं। एडोलसेंट गर्ल्स ग्रो करती हैं और वो वुमेन बनती हैं। मैन के अंदर कैपेसिटी होती है टू प्रोड्यूस द मेल गैमेट्स जिनको हम स्पर्म्स बोलते हैं, यूजुअली लास्ट थ्रू आउट द लाइफ। बट इन द केस ऑफ वुमेन के केस में क्या होता है, जो कैपेसिटी होती है फीमेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करने की वो सिर्फ 45 to 50 ईयर्स ऑफ एज तक होती है। इसी कारण जो रिप्रोडक्टिव फेज होता है लाइफ का इन मैन लास्ट मच लॉन्गर देन इन वुमेन के कंपैरिजन में मैन का रिप्रोडक्टिव फेज लंबा होता है। वी विल नाउ डिस्कस द रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमन फीमेल्स इन डिटेल। इन फीमेल्स के अंदर क्या होता है, रिप्रोडक्टिव फेज होता है लाइफ का, वो प्यूबर्टी से लेके और कहाँ तक होता है, अप्रोक्सीमेटली 45 to 50 ईयर्स तक होता है। और प्यूबर्टी कब स्टार्ट होती है, 10 to 12 ईयर्स से स्टार्ट होके और 45 से 50 ईयर्स तक होती है। With the onset of puberty, the eggs begin to mature in the ovaries of a woman. जैसे ही puberty आती है, शुरू होती है, उस time पे क्या होते हैं, eggs mature करना शुरू कर जाते हैं ovaries के अंदर। One mature egg है वो release होता है by one of the ovaries of the woman once in about 28 to 30 days. मतलब every month एक egg release होता है, या तो उस ovary से या फिर उस ovary से। During this period जो inner lining होती है uterus की वो grow करती जाती है और thick हो जाती है, spongy हो जाती है, and prepares itself to receive the fertilized egg. तो अपने आप को किस तरीके से prepare कर लेती है fertilized egg को receive करने के लिए। So in case of fertilization, अगर fertilization होती है egg की, तो हमारा क्या होता है, fertilized egg form हो जाता है और वहाँ से वो cell divide करना शुरू हो जाती है और embryo के अंदर convert हो जाती है। ये मैंने आपको last lesson में बताया था। The embryo then gets embedded in the thick uterus lining. उसके बाद जो embryo होता है वो क्या कर जाता है, इस uterus lining के अंदर बैड कर जाता है, इसके अंदर धस जाता है। दिस रिजल्ट्स इन द प्रेगनेंसी, इससे क्या होता है, प्रेगनेंसी के अंदर रिजल्ट होता है जिससे अल्टीमेटली बर्थ होता है बेबी का। अब हम डिस्क्राइब करते हैं, अगर फर्टिलाइजेशन ना हो उस केस में क्या होता है। ये तो था फर्टिलाइजेशन होता है तब, अगर फर्टिलाइजेशन ना हो तब क्या होएगा। जैसे यहाँ आपको फिगर में शो कर रखा है, तो उससे पहले मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ। इफ़ फर्टिलाइजेशन डज नॉट ओकर, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही है, मतलब स्पर्म नहीं है, तो एग रिलीज होएगा, वो मर जाएगा विद इन द फ्यू डेज, कुछ दिन के अंदर, और जो थिक लाइनिंग है वो अपने आप ब्रेक डाउन हो जाएगी, जिसकी ज़्यादा आगे रिक्वायरमेंट नहीं होती। सिंस द थिक यूट्रस लाइनिंग कंटेन्स अ लॉट ऑफ ब्लड वेसल्स, अब जो यूट्रस की लाइनिंग होती है उसके अंदर क्या होता है, ब्लड वेसल्स होती हैं, तो वहाँ से ब्रेकिंग डाउन होता है और डिसइंटीग्रेशन होता है यूट्रस लाइनिंग का, जहाँ से ब्लड प्रोड्यूस होता है अलोंग विद द अदर टिश्यूज, दूसरे टिश्यूज के साथ में। दिस ब्लड एंड अदर टिश्यूज कम आउट ऑफ वजाइना ऑफ वुमन इन द फॉर्म ऑफ द ब्लीडिंग, ये ब्लीडिंग की फॉर्म में बाहर निकलते हैं। द ब्लीडिंग फ्रॉम द यूट्रस जो ओकर होती है वुमेन्स के अंदर एवरी मंथ, उसको हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल फ्लो या फिर मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। मेंस्ट्रुएशन है वो वंस होती है 28 to 30 डेज तक, मतलब एवरी मंथ होती है वो। मेंस्ट्रुएशन ओकर्स एवरी 28 to 30 डेज बिकॉज जो ओवुलेशन होता है वो हमेशा 28 to 30 डेज के अंदर ही होता है, आफ्टर एवरी 28 to 30 डेज। एवरी डे लैंग्वेज में हम मेंस्ट्रुएशन को मंथली पीरियड्स भी बोल देते हैं या फिर जस्ट उनको पीरियड्स भी बोल देते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द मेंसेस। मेंस्ट्रुएशन यूजुअली लास्ट फॉर अबाउट 3 to 5 डेज इन अ मंथ, जो ये पीरियड्स होते हैं ये 3 to 5 डेज एक मंथ के अंदर लास्ट करते हैं।
जैसे आप फिगर के अंदर शो कर रखा है, यहाँ पे थिक लाइनिंग इस तरीके से डेवलप हो जाती है यूट्रस की। अगर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो इस थिक लाइनिंग की हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो यहाँ से इसकी थिक लाइनिंग क्या होती है, ब्रेक डाउन करके ब्लीडिंग की फॉर्म में बाहर निकलती है। द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगेन्स एट द प्यूबरिटी, जो पहली मेंस्ट्रुएशन होती है वो प्यूबरिटी के अंदर होती है, और जो फर्स्ट ओकरेंस होती है मेंस्ट्रुएशन की उसको हम क्या बोलते हैं, मिनार्क बोलते हैं। मिनार्क क्या होता है, बिगनिंग होता है रिप्रोडक्टिव लाइफ ऑफ अ गर्ल, गर्ल की रिप्रोडक्टिव लाइफ का एक बिगनिंग होता है। दूसरे शब्दों में हम क्या बोल सकते हैं, मिनार्क इज द टाइम फ्रॉम विच अ गर्ल बिकेम कैपेबल ऑफ हैविंग अ बेबी। इस टाइम पे एक गर्ल क्या होती है, स्टार्ट होती है प्रिपेयर होने के लिए, जिस टाइम पे वो क्या होते हैं, कैपेबल होते हैं हैविंग अ बेबी। मेंस्ट्रुएशन स्टॉप्स टेम्परेरली, मेंस्ट्रुएशन एक टेम्परेरली स्टॉप हो जाती है जब वुमेन प्रेग्नेंट हो जाती है, क्योंकि उस टाइम पे उस लाइनिंग की जरूरत होती है। मेंस्ट्रुएशन रीस्टार्ट्स आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी, बेबी के बर्थ के बाद मेंस्ट्रुएशन दोबारा स्टार्ट हो जाती है। मेंस्ट्रुएशन स्टॉप्स परमानेंटली व्हेन अ वुमेन रीचेस द एज ऑफ अबाउट 45 टू 50 ईयर्स, जब एक वुमेन 45 टू 50 ईयर्स तक पहुंचती है तो उसके अंदर वो परमानेंटली स्टॉप हो जाती है। मीनोपोज ओकर्स इन वुमन एट द एज ऑफ अबाउट 45 टू 50 ईयर्स, तो ये कहाँ से 45 टू 50 ईयर्स तक होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, परमानेंट स्टॉपेज बोलते हैं। अ वुमन स्टॉप ओवुलेशन एट मीनोपोज एंड कैन नो लॉन्गर बिकेम प्रेगनेंट, क्योंकि 45 टू 50 ईयर्स तक क्या होता है, ओवुलेशन स्टॉप हो जाता है और कैन नो लॉन्गर भी बिकम प्रेगनेंट, उसके बाद वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। मीनोपॉज इज द एंड ऑफ द रिप्रोडक्टिव लाइफ ऑफ अ वुमन, एक वुमन का रिप्रोडक्टिव एंड का लाइफ का रिप्रोडक्टिव एंड होता है मीनोपॉज, तो हम ये भी बोल सकते हैं रिप्रोडक्टिव लाइफ ऑफ वुमन मीनार्क से स्टार्ट होके और मीनोपॉज तक होती है। अब हम बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, ये साइकिल क्या होता है और किस तरीके से होता है। द प्रोसेस ऑफ ओवुलेशन एंड मेंस्ट्रुएशन इन वुमेन इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो प्रोसेस होती है ओवुलेशन की मतलब ओवम का रिलीज होना, मेंस्ट्रुएशन की मतलब जो ब्लीडिंग होती है उसका निकलना, उसको हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, क्योंकि ये बार बार होता है एक फिक्स पीरियड के टाइम, जो फिक्स टाइम पीरियड होता है उसके बाद रिपीट होता है। द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज़ अ पीरियड ऑफ अबाउट 28 to 30 days, ये 28 से लेके 38 days तक होता है, ड्यूरिंग विच एन एग सेल मैच्योर्स, द मैच्योर एग सेल इज रिलीज बाय द ओवरी। पहले क्या होता है, एग सेल होता है वो मैच्योर होता है ओवरीज के अंदर, और वहाँ से फिर वो रिलीज होता है, फिर थिकनिंग होएगी यूट्रस लाइनिंग की टेक्स प्लेस, एंड फाइनली जो यूट्रस लाइनिंग है वो ब्रेक डाउन कर जाती है, जिससे क्या होती है, ब्लीडिंग होती है। अगर एग सेल यहाँ पे फर्टिलाइज नहीं हुआ है तो इनिशियली मेंस्ट्रुअल साइकिल है गर्ल्स के अंदर वो इरेगुलर होता है, इट मे नॉट बी ऑफ 28 to 30 days, ये रेगुलर होता है आफ्टर सम टाइम, तो शुरुआत में क्या होता है, इरेगुलर होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल इन वुमन इज़ कंट्रोल्ड बाय द हॉर्मोन्स, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो भी हॉर्मोन्स के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे डिटरमिनेशन ऑफ सेक्स इन द ह्यूमंस विच इन्वॉल्व्स द रोल ऑफ द सेक्स हॉर्मोन्स, मतलब वो किस तरीके से पता लगता है कि ये बॉय है और ये गर्ल है। क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एवरी सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, न्यूक्लियस के हर एक सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन बॉडी में, जितने भी सेल्स होते हैं उनके न्यूक्लियस में हमारे पास क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। जितने भी ह्यूमन बींग्स होते हैं सबके अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियाई के अंदर नॉर्मल बॉडी सेल के केस में। आउट ऑफ दिस 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स में से एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम को हम क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स बोलते हैं। द टू क्रोमोसोम जो डिटरमाइन करते हैं किसी भी ऑफस्प्रिंग के या किसी भी बेबी के सेक्स को, उनको हम क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स बोलते हैं। जो टू सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम। जो गैमेट्स होते हैं वो नॉर्मल नहीं होते और बॉडी सेल्स के अंदर, दे आर स्पेशल सेल्स जिनको हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स बोलते हैं। तो गैमेट्स के अंदर सिर्फ 23 सिंगल क्रोमोसोम्स होते हैं, एंड हैंस दे हैव ओनली वन ऑफ द टू सेक्स क्रोमोसोम्स, या फिर एक्स होता है उनके पास या फिर क्या होता है, वाई होता है, जो एग्जिस्ट करता है नॉर्मल बॉडी सेल्स के अंदर। फीमेल्स के अंदर क्या होता है, जितने भी गैमेट्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, एग सेल्स के अंदर सिर्फ एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है फीमेल्स के अंदर, और फीमेल्स होती है उनके पास कोई वाई क्रोमोसोम नहीं होता गैमेट्स में। दूसरी तरफ क्या होता है, मेल्स के अंदर आधे गैमेट्स तो क्या होते हैं, एक्स क्रोमोसोम्स के, और आधे गैमेट्स क्या होते हैं, वाई क्रोमोसोम्स के होते हैं। तो जो बेबी डेवलप्ड होता है वो
किस तरीके से होता है, एक्स एक्स कॉम्बिनेशन से होता है जिससे क्या बनती है, गर्ल बनती है, और जब एक्स वाई का कॉम्बिनेशन होता है तो उससे बॉय बनता है। जैसे मैं आपको एक ब्रीफली डिस्कशन देती हूँ, गर्ल्स के केस के अंदर क्या होता है, एक ही सिर्फ एक ही प्रकार के गैमेट्स बनते हैं जिनके अंदर सिर्फ एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। लेकिन बॉयज़ के केस में क्या होता है, आधे क्या बनते हैं एक्स क्रोमोसोम के और आधे क्या बनते हैं वाई क्रोमोसोम्स के गैमेट्स होते हैं। जब एक्स और एक्स के आपस में मिलते हैं, ये थे गैमेट्स के, गैमेट्स के अंदर सिर्फ 23 पेयर्स होते हैं जिनमें से एक हमारे पास क्या होता है एक्स होता है। और यहाँ पे क्या होता है, बॉयज़ में भी गैमेट्स के केस में क्या होता है, या तो 23 वाई होएगा या फिर 23 एक्स होएगा। तो जब यहाँ पे हमारे क्या होते हैं, ह्यूमन नॉर्मल सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, मतलब 23 का पेयर प्रेजेंट होता है, दो पेयर प्रेजेंट होते हैं। तो जब यहाँ पे एक्स एक्स आपस में मैच करते हैं और 23 23 ये वाले जब मैच करते हैं, तब यहाँ पे हमारी बेबी गर्ल का डेवलपमेंट होता है, और जब एक्स के साथ वाई का मेल होता है तो हमारे पास क्या बनता है, बेबी बॉय बनता है। इस तरीके से सेक्स क्रोमोसोम की हेल्प से सेक्स का डिटरमिनेशन होता है। हाउ इज़ द सेक्स ऑफ अ बेबी डिटरमाइंड, किस तरीके से एक बेबी का सेक्स को डिटरमाइन किया जाता है। When a woman give birth to the baby, it can be a boy or a girl. ये boy भी हो सकते हैं और girl भी हो सकते हैं। जो sex होएगा baby का to be born is decided at the moment the egg cell of the woman get fertilized by the sperm of the man and pregnancy occurs. ये जब किस टाइम पे डिसाइड हो जाता है सेक्स बेबी का, जिस टाइम पे जो एग होता है सेल वूमेन का वो फर्टिलाइज हो जाए स्पर्म की हेल्प से, तो प्रेगनेंसी होती है उसी टाइम पे क्या होता है, बॉय और गर्ल डिसाइड हो जाते हैं। क्योंकि जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ द बेबी, वो प्रेजेंट कहाँ होती है, सेक्स क्रोमोसोम्स के अंदर प्रेजेंट होती है, जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं फर्टिलाइज्ड एग के, जिनको हम क्या बोलते हैं, जायगोट बोलते हैं। जो सेक्स होता है वो बेबी का, वो डिटरमाइंड होता है बाय द टाइप ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन द फर्टिलाइज्ड एग फ्रॉम विच द बेबी डेवलप्स। तो इस तरीके से कैसे क्लियर करेंगे हम, जैसे मैंने आपको पीछे बताया है अभी शॉर्ट फॉर्म में, वो उसी तरीके से सारा प्रोसेस है। दो टाइप के सेक्स हमारे पास, नंबर वन इज एक्स, नंबर टू इज वाई क्रोमोसोम। फीमेल के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक्स क्रोमोसोम होता है, उसके सारे गैमेट्स में जितने भी एग्स होंगे सब में सिर्फ एक्स क्रोमोसोम होएगा। इसका मतलब क्या हुआ, फीमेल सिर्फ और सिर्फ एक्स क्रोमोसोम के एग्स ही डेवलप कर सकती है। मेल के अंदर क्या होता है, एक्स क्रोमोसोम और एज वेल एज वाई क्रोमोसोम, दोनों क्रोमोसोम्स होते हैं मेल गैमेट के अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्म्स बोलते हैं। और एक्चुअली हाफ मेल गैमेट्स के अंदर तो एक्स क्रोमोसोम होता है और हाफ मेल गैमेट्स के अंदर वाई क्रोमोसोम होता है। सेक्स ऑफ चाइल्ड डिपेंड किस पे करेगा, फिर फर्टिलाइजेशन के बाद फीमेल के पास सिर्फ और सिर्फ एक्स होता है, तो यहाँ पे फीमेल का कोई रोल नहीं होता उसको डिटरमाइन करने में या उसके ऊपर डिपेंड नहीं होता। लेकिन फादर के पास क्या होता है, मेल के पास एक्स और वाई दोनों होते हैं, जो किसके ऊपर डिपेंड करता है, फादर के ऊपर डिपेंड करता है। इफ अ स्पर्म कैरिंग एक्स क्रोमोसोम फर्टिलाइज कर जाता है, अगर एक्स क्रोमोसोम जायगोट बनेगा हमारे पास एक्स एक्स कॉम्बिनेशन का, जिससे क्या होएगा, एक गर्ल बोर्न होएगी। इसी तरीके से अगर एक स्पर्म के पास वाई क्रोमोसोम है और वो फर्टिलाइज करता है एक्स क्रोमोसोम के सेल को, तो वहाँ पे जायगोट बनेगा एक्स वाई कॉम्बिनेशन का, जिससे क्या बनता है, एक बेबी बॉय बनता है। यहाँ फिगर में शो कर रखा है जो मैंने आपको पीछे डायग्राम बताया था, एक्स एक्स हमारे पास क्या होते हैं, मदर के पास होते हैं, लेकिन एक्स वाई हमारे फादर के पास होते हैं। जब मदर का एक्स और फादर का एक्स मैच करते हैं तो फीमेल चाइल्ड बनती है, और जब मदर का एक्स और फादर का वाई मैच करता है तो एक बॉय चाइल्ड बनता है। Thus the sex of unborn baby depends on whether the zygote formed at the time of fertilization has XX combination of sex chromosome or XY combination of sex chromosome. तो ये किस पे डिपेंड करता है, उस टाइम पे zygote पे डिपेंड करता है कि वो XX combination का है या फिर XY combination का है। अगर XX combination का होता है तो गर्ल बनती है, और XY combination का होता है तो चाइल्ड क्या होता है, बॉय होता है। प्लीज नोट दैट इट इज द स्पर्म ऑफ द मैन जो डिटरमाइन करते हैं सेक्स ऑफ द चाइल्ड, मतलब जो स्पर्म होते हैं मैन के वो क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं किसी भी चाइल्ड के सेक्स को।
दिस इज़ बिकॉज जो हाफ ऑफ स्पर्म्स होते हैं उनके पास एक्स क्रोमोसोम होता है, हाफ के पास वाई क्रोमोसोम्स होते हैं, तो 50% चांस होते हैं बॉय के और 50% चांस होते हैं गर्ल के किसी भी पेरेंट्स के केस में. दिस इज़ वाई द ह्यूमन पॉपुलेशन इज़ रफली हाफ मेल्स एंड हाफ फीमेल्स. इसी वजह से रफली अगर हम बात करें तो ह्यूमन पॉपुलेशन कैसे होती है, हाफ मेल्स होते हैं और हाफ फीमेल्स होती हैं. जो एग सेल्स होते हैं वुमेन के, वो डिसाइड नहीं कर सकते किसी भी बेबी का चाइल्ड, क्योंकि उनके पास सिर्फ सेम क्रोमोसोम होते हैं एग के अंदर, जिनको हम क्या बोलते हैं, एक्स क्रोमोसोम्स बोलते हैं. ऊपर वाले डिस्कशन से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि एक फादर होता है वो कंट्रीब्यूट करता है एक्स क्रोमोसोम एट द फर्टिलाइजेशन थ्रू हिज स्पर्म, तो यहाँ पे क्या बनती है, एक गर्ल बेबी बनता है. और दूसरी तरफ अगर फादर कंट्रीब्यूट करता है वाई सेक्स क्रोमोसोम, तो यहाँ पे क्या बनता है, एक बेबी बॉय होता है. दिस मीन्स दैट इट इज़ द सेक्स क्रोमोसोम कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई फादर विच डिसाइड द सेक्स ऑफ द बेबी विच द मदर विल गिव बर्थ टू. दस फादर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ बेबी विच इज बोर्न. तो फादर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. द बिलीफ दैट मदर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ हर बेबी इज एब्सोल्यूटली रॉन्ग. पहले ये बिलीफ होता था कि जो मदर होती है वही क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है बेबी गर्ल के लिए या बेबी बॉय के लिए, तो ये एब्सोल्यूटली रॉन्ग है. मैनी इग्नोरेंट इंडियन फैमिलीज के अंदर क्या होता है, जो मदर है वो रिस्पॉन्सिबल ठहरा दी जाती है एक गर्ल चाइल्ड के. सच पीपल शुड अंडरस्टैंड दैट इट इज द हस्बैंड जो रिस्पॉन्सिबल होता है बर्थ ऑफ गर्ल चाइल्ड के लिए. मोर ओवर अ गर्ल इज नो लेस देन अ बॉय. आज के टाइम पे गर्ल और बॉय दोनों क्या है, इक्वल है, उनके अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं है. इस टॉपिक को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे. अगर यहाँ तक आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और साथ में इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, तो मैं आपको नीचे लिंक दे दूँगी. थैंक यू. और साथ में इससे अगर पहले आप कोई भी लेक्चर सीरीज़ वाइज से अगर पहले कोई लेक्चर कवर करना है, कोई भी चैप्टर कवर करना है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो. थैंक यू.